हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रांडन जे वाइचार्ट ने ये कहा है कि फॉर सम वियर्ड रीजन रशियंस के ज्यादातर सैटेलाइट्स यूएस सैटेलाइट्स के बिल्कुल पीछे पीछे ही घूमते हैं और उनका यूं इस तरीके से घूमते रहना कहीं ना कहीं शायद ये दर्शा रहा है या कहो ये सबूत पीछे छोड़ता है कि वो अमेरिकन सैटेलाइट्स को वॉर सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इफ देखा जाए तो रिसेंटली रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोसमोस के डायरेक्टर जनरल डिमिट्री रोजोगिन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तक दुश्मन देशों पर गिराने की धमकी दी है और इस धमकी भरी लिस्ट में इंडिया का भी नाम है। अब ये देखकर आपको नहीं लगता इन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज में स्पेस से कुछ गिराना वर्ल्ड वॉर 3 को राइज दे सकता है? एंड नॉट जस्ट स्पेस, रशिया अपनी अव्वलता लैंड पे दिखाने से भी पीछे नहीं हिचकिचा रहा है, जिसका सबूत है दुनिया भर में फैले हुए रशिया के मिलिट्री वॉरशिप्स। जहां ये सवाल उठता है कि क्या रशिया की नजरें सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित है या यूक्रेन बस उनकी कोई शुरुआत है एंड मेन टारगेट उनका कोई और ही है। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे पक्के सबूत कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। पिछले कुछ समय से रशिया के तरफ से आए कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिंट्स मिले, जिससे देश विदेश के कई डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब ये सोचने लगे हैं कि शायद रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। एंड ये कुछ फैक्ट्स के बल पर खड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा सबूत है पुटिन स्टेटमेंट अबाउट अ न्यूक्लियर अटैक 24 फरवरी 2022, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन ने यूक्रेन पर इन्वेजन का ऐलान किया। तब उसी दौरान पुटिन ने एक और एक बात की, ये धमकी थी एक न्यूक्लियर अटैक की, जिसके बाद तो ऐसी धमकियों का सिलसिला लगातार चलता ही रहा। और फिर आया 27 फरवरी 2022, पुटिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल रेजीम ऑफ कॉम्बैट ड्यूटी पर भेजा, जिसका रीजन उसने नेटो कंट्रीज द्वारा लगाए इलीगल सैंक्शंस और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को बताया। देन 28 फरवरी 2022, पुटिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर डाला। पर क्या इन स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि रशिया इस सेंचुरी का पहला न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है और क्या वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेलने वाला है? वेल, इसके लिए तो सबसे पहले ये जानना होगा कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया के 90% वॉरहेड्स न्यूक्लियर वाले रशिया और अमेरिका के पास है, जो हजारों की संख्या में, जबकि बाकी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के पास सिर्फ कुछ सौ ही है। नाउ आई नो कि ये टोटल वॉरहेड्स का काउंट है, जिसमें रिटायर्ड, रिजर्व यानी बस बना के रखे हुए और डिप्लॉयड ये सभी इंक्लूडेड है, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में से अमेरिका और रशिया के लगभग सेम ही नंबर ऑफ वॉरहेड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉयड है। रशिया के 22 वॉरहेड्स ऑलमोस्ट उसकी खुद की टेरिटरी के आसपास ही डिप्लॉयड है, जबकि स्टेटिस्टा के आर्टिकल के अनुसार यूएस ने यूरोप के 6 अलग अलग जगहों पर अराउंड 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। एंड इसी डेटा को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताते हुए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने डर जताया था। और वो जताए भी क्यों ना, कोई दुश्मन आपके दरवाजे पर हथियार लिए खड़ा हो तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? और इस 5 दिन के वॉर में लगभग 5000 लोग, जिसमें 14 बच्चे थे, वो मारे गए, काफी ज्यादा तादाद में। पर वॉर को भी छोड़, रशिया में एक्चुअली में ऐसे नंबर्स काफी कॉमन है। और क्यों पता है? वेल, आप ही देख लो, रशिया में 2016 में 20,308 लोग मारे गए इन रोड एक्सीडेंट्स, 2017 में 19,088 लोग मारे गए, 2018 में 18,214 और 2020 में 16,152 लोग। इनके पीछे की वजह, गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना या गाड़ी में कोई मेजर फेलियर। एंड इंडिया में तो ये नंबर्स और भी ज्यादा है, क्योंकि 2018 में 4,67,044 और 2019 में 4,49,002 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और रीजंस बिल्कुल सेम है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्कशन पर। लेकिन क्या हम सिर्फ वेपन्स और उनके डिप्लॉयमेंट के बेसिस पर ही ये कह सकते हैं कि रशिया न्यूक्लियर हमला करेगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बट पिछले कुछ महीनों से रशिया की गतिविधियां देखकर दुनिया को ये जरूर लगने लगा कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तैयारी काफी पहले से कर रहा है। गतिविधियां लाइक नंबर 1, रशिया अपडेटिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। जनवरी 2020 कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वेबसाइट से यह पता चला कि रशिया अपने पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को नए मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स से रिप्लेस कर रहा है, और इसी दौरान उसने अपनी एक मिसाइल इस्कैंडर को अपने यूरोपियन एनक्लेव कैलिनग्राड में भी डिप्लॉय किया है, जिसके बाद सारी नेटो कंट्रीज उसके निशाने पर आ चुकी है, which obviously is poking all the NATO countries. Number 2, nuclear drills. February 2022 में रशियन और बेलारूस ने joint nuclear triad drills perform किए थे, जिस दौरान रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड सबमरीन्स और वॉरप्लेन्स का इस्तेमाल किया था। अब वैसे तो ये मिसाइल्स और बॉम्ब से भरे मिलिट्री ड्रिल्स चल रहे थे बेलारूस में,
लेकिन उनका धुआं बगल के यूक्रेन और वेस्टर्न देशों से निकल रहा था। Well, न्यूक्लियर वॉरफेयर तो जब चालू होगा तब चालू होगा, बट what if रशिया ऑलरेडी एक वॉर चालू कर चुका है, ऑर्डिनरी वॉरफेयर, एंड यूक्रेन के साथ चल रहे इस ऑर्डिनरी वॉरफेयर के ग्लोबल वॉरफेयर में बदल जाने के चार पक्के सबूत सामने आए हैं। नंबर वन, रशिया वर्सेस यूएस फोर्सेस। कोल्ड वॉर टाइम से ही रशिया ज्यादातर चीजों में यूएस से आगे ही था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटते ही रशिया इस रेस में पीछे छूटता चला गया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर में इवॉल्व होती चली गई, क्योंकि सैंक्शंस और इकोनॉमिक डाउनफॉल के चलते रशिया को अपनी मिलिट्री एक्सपेंसेस की कॉस्ट कटिंग करते हुए अपने कई ओवरसीज मिलिट्री बेसेस को घटाने पड़े, जिससे रशिया के पास आज ऐसे कुछ 21 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस ही रह गए हैं। लेकिन लेट 2016 में रशिया को एक और बड़ा सेटबैक मिला, जब मोल्डोवा, जॉर्जिया और यूक्रेन ने भी अपनी टेरिटरी से रशियन मिलिट्री को हटाने की मांग की, और फिर रशियन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस का काउंट 21 से 18 पर फिसल गया। ऑन द अदर हैंड, यूएस के एनुअल बेस स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स के अनुसार उनके अराउंड 600 से 900 मिलिट्री साइट्स फॉरेन सॉइल पर मौजूद है, जिसमें से 13 लार्ज है, 19 मीडियम बेसिस है और बाकी स्मॉल बेसिस है। इनफैक्ट मेजर कंट्रीज जैसे जर्मनी और जापान में भी यूएस के करीब 1000 से 3000 ट्रूप्स, 20,000 पीसेस ऑफ किट्स एंड टैंक्स के साथ डिप्लॉयड है। नाउ ये नंबर्स देखकर साफ साफ होता है कि आज के समय यूएस काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मिलिट्री प्रेजेंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मर डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर रशिया, यूक्रेन एंड यूरेशिया एवेलिन फारकास, रशियन फोर्सेस क्वालिटी वाइज यूएस से आगे हैं, जिसके सबूत यूएस के अफगानिस्तान और वियतनाम के जंग के मैदान छोड़ जाने से मिलते हैं। नंबर टू, यूएस इंटेलिजेंस वॉन्ट्स। अर्ली नवंबर 2021 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीआईए डायरेक्टर बिल बर्न्स को मॉस्को भेजा था, क्योंकि बाइडेन को स्पाइस के द्वारा मैसेज मिला था कि यूक्रेनियन बॉर्डर्स पर काफी सारे अनयूजुअल ट्रूप्स के मूवमेंट्स नजर आ रहे थे, जिसके चलते कुछ दिन बाद द वॉशिंगटन पोस्ट में छापा गया था कि क्रेमलिन 1,75,000 ट्रूप्स के साथ कोई तो ऐसी साजिश रच रहा था जिससे दुनिया बेखबर थी। उसी बात को लेकर ब्रिटेन ने रशिया को वार्निंग दी, एंड स्ट्रेंजली यूएस ने यह डिक्लेयर किया कि रशिया वॉर नहीं बल्कि एक ग्राफिक फेक वीडियो बना रहा है अबाउट यूक्रेनियन अटैक टू क्रिएट फॉल्स प्रीटेक्स्ट। बट वो फेक वीडियो कितना रियल वॉर हुआ वो तो अभी देख ही रहा है। एंड ये बात भी साफ साफ नजर आती है कि यहाँ पर यूएस का अच्छा खासा हाथ था इस वॉर को सपोर्ट देने में। नंबर थ्री, रशियन नेवल बेसिस। सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स रशिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंट्रीज काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, एंड ये एग्रीमेंट्स वही साइन करते थे जो कंट्रीज वीक हो, सो दैट उस कंट्री पे आसानी से कब्जा किया जा सके। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट्स, रशियंस आर द मेन आर्म सप्लायर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 2015 से 2019 में ही अफ्रीका इंपोर्टेड अराउंड 49% ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इन फ्यूचर द रशियन फेडरेशन कुछ एस्टैब्लिश इट्स बेसिस और यूज द टेरिटरीज ऑफ इजिप्ट, एरिट्रिया, मोजाम्बिक, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया एंड सूडान फॉर इट्स मिलिट्री पर्पसेस। नंबर फोर, रशियन नेवल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। अब जैसे कि हमें पता है कि रशिया शिप्स, मेजर वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट लिए इफेक्टिवली ब्लैक सी पे कब्जा कर बैठा है, वो इसीलिए क्योंकि दैट विल डायरेक्टली थ्रेटन यूक्रेन सदर्न कोस्ट विच विल ऑल्सो इंक्लूड द स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ ओडेसा। इफ रशिया के वॉरशिप और उनके स्ट्रेटेजी की बात करूं तो नंबर वन, PM-138 शिप इज हियर सो दैट इमरजेंसी बैटल रिपेयर्स के लिए आसानी पड़े। नंबर टू, कुछ वॉरशिप्स एंड ऑक्सिलरीज आर हियर विच इज डायरेक्टली नियर टू यूक्रेन। नंबर थ्री, डोनोस्लाव एंड युग क्लास शिप्स को वहीं पर रखा गया है फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। नंबर फोर, कोल्ड वॉर में बिल्ड किए हुए स्लावा क्लास क्रूजर मॉस्क्वा को ब्लैक सी में रखा गया है फॉर वॉर। एंड नंबर फाइव, वैसे ही उन्होंने मेडिटेरेनियन में भी कुछ वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट को रखा है टू थ्रेटन नेटो। इनके अलावा रशिया ने जहां जहां भी अपने शिप्स को प्लेस किया है ड्रिल्स के नाम पर, वहां सब जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेजन हो ही रहा है, एंड इफ नॉट दैट तो डर बिठाया जा रहा है। एंड रशिया ये डर को सिर्फ ओशन या लैंड पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी बांध रहा है। यस, स्पेस वॉर के भी चांसेस है, एंड नो डाउट इस स्पेस वॉर के भी कुछ सबूत दुनिया के सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं, which gives rise to 20th November 1998. ये वो दिन था जब रशियंस के ही रॉकेट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले पुर्जे को स्पेस में लॉन्च किया था, और 24th February 2022 ये वो दिन था जब उसी रशिया ने यूएस, यूरोप, चाइना और इंडिया को ये वार्न किया था कि अगर उन्होंने इस क्राइसिस के चलते रशिया के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो किसी फुटबॉल फील्ड बड़े इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इन देशों पर गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा।
दरअसल हुआ ये कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने बड़ बोले नेचर के चलते मीडिया के सामने रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कॉस्मोस पर भी सैंक्शंस लगाने की बात छेड़ी, जिसके रिप्लाई में रॉस्कॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल डिमिट्री रोगोजिन ने ये कहा कि ISS के ऑर्बिट की दिशा और लोकेशन रशियन मेड इंजन कंट्रोल करते हैं, वो भी रॉस्कॉस्मोस के ग्राउंड स्टेशन से। यानी अगर रॉस्कॉस्मोस पर सैंक्शन लगे और वो ब्लॉक हुआ तो ISS के इंजन कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे और वो क्रैश कर जाएंगे इनटू US और यूरोप और इनटू चाइना और इवन इंडिया, क्योंकि ISS इन देशों के ऊपर ऑर्बिट करता है और रशिया के ऊपर नहीं। पर जिस तरह से ये वर्ल्ड सुपर पावर्स इतने इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या इससे ये कहना गलत होगा कि अगले विश्व युद्ध में जमीन से ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि US, रशिया, इंडिया और चाइना के पास ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट यानी सैटेलाइट्स को स्पेस में जाकर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज है, और अब तक इन चारों ने मिलकर करीब 70 से ज्यादा एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स टेस्ट कर रखे हैं, आउट ऑफ विच 20 तो बस पिछले 15 सालों में ही किए हैं बिकॉज ऑफ आपसी रंजिश। मिसाल के तौर पर जैसे कोल्ड वॉर के वक्त US और रशिया दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने के लिए अपने अपने ASAT सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे थे, उसी तरह 2007 में चाइना के ASAT सिस्टम करते ही इंडिया ने भी अपना ASAT मिसाइल टेस्ट कर लिया, ताकि इन केस फ्यूचर में कभी चाइना ने किसी सैटेलाइट को इंडिया पर गिराने की कोशिश की तो इंडिया के पास भी खुद को बचाने का एक सिस्टम होगा जो उस गिरती हुई सैटेलाइट को स्पेस में ही तबाह कर सकता है। अब हालांकि ये चारों ही देश इन सिस्टम्स को आक्रमण नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। रशिया जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और डर बस इसी बात का है कि वो इन मिसाइल सिस्टम्स को अटैक के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि ऑफेंस और डिफेंस के बीच स्पेलिंग के अलावा सिर्फ एक ही का डिफरेंस होता है, एंड दैट इज आपने पहले फायर किया कि बाद में। खैर 1990 में जब US रशिया का कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब 1993 से 2013 तक US ने रशिया के साथ मिलकर एक मेगाटन टू मेगावॉट्स प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसके अंतर्गत US ने रशिया के डिसअसेंबल न्यूक्लियर वेपन्स का 500 टन्स वेपन ग्रेड यूरेनियम खरीद लिया और उसे करीब 2 दशकों तक अपने ही देश की 10% बिजली पैदा की, विच शोस कि कैसे जानी दुश्मन भी अगर साथ आए तो उसमें सिविलियंस का ही भला होता है। सो ऑन दैट नोट, व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स, कैन रशिया एंड यूक्रेन कोलैबोरेट ताकि उनके बीच डिफरेंसेस कम हो और वो अपने साथ साथ दुनिया को खत्म करने की कोशिश ना करने लगे? एंड फाइनली आपको क्या लगता है कितना चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? पर्सनली कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना एंड सब्सक्राइब गेट्सेटफ्लाई साइंस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर नॉलेज। और हाँ फ्रेंड्स, गो मैकेनिक ऐप को एक बार चेकआउट करना मत भूलना और होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस पाओ। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।